ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सनी 7:30 का एक वीडियो जिसका कुछ क्वेश्चन आया, तो उसके ऊपर एक खुलासा करना चाहूँगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका सनी 7:30 में डार्क माइंड, ब्लॉक माइंड, नूल माइंड, डिप्रेशन माइंड, आइसोलेटेड माइंड, नो थिंकिंग माइंड, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, द्वंद्वात्मक माइंड, ओवर थिंकिंग माइंड, अकेलेपन का माइंड, प्रोकास्टिनेटेड माइंड, स्लो डाउन माइंड, ऑब्स्ट्रकल माइंड, और इन सबको मिला के अगर एक शब्द बोलें तो अकेलेपन का माइंड। मैं इसके ऊपर जैसे पूर्व वीडियो दिया कि सबसे ज्यादा ये 7:30 में जिसको पेनफुल 7:30 कहा गया, फिजिकल लेवल में जो भी प्रॉब्लम हो जाए वो तो सॉर्ट आउट हो जाता है, जितना भी जैसे लबरा लबरी, धोखा धोखी, फ्रॉड केसेस और जितना सारा मतलब झूठा आरोप इत्यादि लगा के केस, या कोई लबरा लबरी या ब्लैकमेलर्स, लबरा लबरी ब्लैकमेलर आपको ठग के पैसा ले लिए, या आपका मान सम्मान हानि करने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप का धमकी, या किसी और प्रकार का पैसा खाने का धमकी, या जिसको बोलते हैं सॉफ्ट ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इस प्रकार का मैटर हो, या हस्बैंड हस्बैंडी, लबरा लबरी, धोखा बीबी बीबा, धोखा धोखी, इस प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति किसी के साथ, पत्नी किसी और के साथ, वगैरह वगैरह ये, और पैसा का मैटर, जो भी लॉसेस, या बीबी का गहना बिक गया, बंधक रह गया, जमीन जायदाद घर बिक गया, बिजनेस ठप हो गया, धंधा पानी बंद हो गया, ये जितने भी एक कॉमन सिनेरियो है। बाकी तो हर एक आदमी को अलग अलग केसेस लग जाते हैं, अलग अलग जिंदगी का, किसी का बीबी का, किसी का दंपति का, किसी का पैसा का, किसी का डिवोर्स केस, किसी का कुछ भी केस नहीं है लेकिन ब्लैकमेल का, ऐसे अलग अलग जैसे जैसे कुंडली में योग है ऐसे ऐसे सब लगते हैं। लेकिन ये ना 7:30 में फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ तक सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लंबा रह जाता है तो दो चीज, या तो पैसा का मैटर, या तो मेंटल डिजीज, मेंटल प्रॉब्लम, और इस मेंटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जनरली आदमियों को मिलता नहीं है। और इसके लिए मैं बता रहा था कि इनर लेवल का मैनेजमेंट, इनर लेवल का सफाई, इनर लेवल का मैं मतलब इंटीरियर डेकोरेशन, अंदर बहुत सारा फूटा टूटा रहता है जिसका घाव सूखता नहीं है। ये विगत 3 वीडियो में इसके ऊपर हम लोग बात किए, पर्टिकुलरली सनी 7:30 के कंडीशन में इसका बहुत ज्यादा अनुभव मकर राशि को होता रहेगा। कुंभ राशि अभी अनुभव करने के लायक में नहीं रहेंगे, मीन राशि वाले तो गलती से अनुभव करने वाला लायक नहीं रहेंगे, लेकिन मेष राशि का प्रिलिमिनरी इफेक्ट तो उनको पता ही नहीं चलेगा। यानी कुंभ राशि को पता चलने के लिए और 1.5-2 साल टाइम बाकी है, मीन राशि को पता चलने के लिए 5 साल 5.5 साल बाकी है, मेष राशि को 7.5-6 साल बाकी है। लेकिन इस समय अभी अगर कोई ज्यादा पीड़ित रह रहा है तो इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक परिस्थिति जिसको कि जिसका कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी साइकेटिक मेडिसिन खा लो ठीक नहीं होगा, कहीं पड़े हुए हो, मन चल नहीं रहा है, मन एकदम गुरुगंभीर पड़ा हुआ, और ये शनि बकरी के कंडीशन में इसका इम्पैक्ट नेचुरल बात ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए मैं 2 दिन से इस सीरीज का वीडियो दे रहा हूं, विगत 3 वीडियो आसपास इसी सीरीज का था, 2 वीडियो 7-7 मिनट का बना दिया, जिसको कि 25 मिनट का बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम का बड़ा शॉर्टेज रहा क्योंकि इस बार थोड़ा सा ज्यादा कुंडली विश्लेषण और ये अभी वास्तु का भी बहुत लोग भेज दिए हैं, उसका भी काम कर रहा हूँ, तो और कुछ टेलीफोन नंबर का चक्कर पड़ गया हूँ, मैं गलती कर दिया इन लोगों को बोल के, तो कुछ लोग नंबर चेंज के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसके लिए मैं और ज्यादा बहुत लंबा वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रहा है, तो जितना टाइम मिलता है उसमें बना देता हूँ। और जितने सारे बेसिक प्रेडिक्शन है वो टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय G75 इसका सब्स्टिट्यूट चैनल बना दिया, तो उधर चला जा रहा है, तो इस चैनल में और अनसन बहुत सारा वीडियो और नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत मिनिमम आ रहा है, तो जिनको और ज्यादा क्लियरिफिकेशन से मुझे सुनना है तो फिर वो चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ जो सबसे प्रमुख इस वीडियो में मैं कुछ सोल्यूशन ले, क्योंकि उसमें जब मैं प्रॉब्लम बताया सोल्यूशन नहीं बताया तो लोगों का दिमाग खराब, दिल खुश दिमाग खराब वाले तो क्वेश्चन करेंगे, अब गुरुजी सोल्यूशन बताओ यार। नहीं, सोल्यूशन इसका ना मैं बता दे रहा हूं, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक समस्या जो लोग 7:30 के दौरान फेस कर रहे हो, और मुख्य तो उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके साथ ये सब नहीं होता। देखो हर एक आदमी का एक स्तर है,
एक तो जड़ संपन्न रहते हैं जिसको तामसिक व्यक्ति कहते हैं, दूसरा रजस व्यक्ति रहते हैं, तीसरा सात्विक व्यक्ति रहते हैं। और सोचो कि शनि एक तामसिक पाप क्रूर ग्रह होके किसी मतलब सात्विक नक्षत्र के साथ पड़ गया है तो वो पता भी नहीं चलेगा, वो चलो बढ़िया है। यहां सबसे ज्यादा देखो शनि साढ़े साती या शनि महादशा किसके लिए खतरा है? तीन आदमी के लिए सबसे खतरा होता है। एक, अगर शनि विपद नक्षत्र में बैठा, दो, बद्ध तारा में बैठा, तीन, अगर पत्यारी प्रत्यारी में बैठा। विपद, बद्ध और प्रत्यारी, ये तीन सबसे बड़ा समस्या रहता है। चार नंबर में अगर किसी को बोलोगे, अगर शनि खुद जन्म नक्षत्र में बैठ गया, नहीं चंद्रमा के साथ तो भी संयोग हो गया तो और बड़ा पेचीदा रहता है। उससे और जो दो नक्षत्र बाकी रहते हैं, जैसे उदाहरण देता हूं कि पकड़ लो मकर राशि का शनि, यहां आपका धनिष्ठा मकर है और यहां ये चित्रा में बैठ गया, मृगशिरा में बैठा, यानी ये जन्म नक्षत्र में बैठ गया, ऐसे ही समझ लो, तो कुछ इनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो उनको इस प्रकार फीलिंग होगा। या फिर ये शुभ नक्षत्र में बैठा लेकिन मित्र तारा में है, उनको पता नहीं चलेगा, अति मित्र में है पता नहीं चलेगा। और अगर क्षमा तारा में बैठा है, साधक तारा में बैठा है, मस्त हो गया जिंदगी उनका, चिंता का कोई विषय नहीं। लेकिन ऐसे कंडीशन पे मैं ये सिम्टम को इसीलिए बता रहा हूं, पड़ा है, उठने का इच्छा नहीं हो रहा है, सर भारी लग रहा है, पड़ा है क्या करेगा सोच नहीं पा रहा है, इच्छाएं नहीं हो रही कोई काम करने के लिए। इसी सीरीज पे हम लोग चल रहे थे, तो क्या क्या समाधान है? अच्छा, दूसरा, कुछ लोग ऐसे पीड़ित होते हैं, धूप गर्म है भाई, बहुत भाई, ऐसी उसी नहीं कि काम लाइन नहीं है, बैठ के बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे माफ करना, ये पसीना वसीना पोछते पोछते और ड्रेस उठाते उठाते कोई आप यार ड्रेस का तमीज नहीं है, नहीं बोल देना फिर, है ठीक है, क्या करें, हल्का बैठ के बैठे हैं गर्म में और आप देख रहे होगे पसीना से लथपथ है। तो हम लोग देहाती वाला तो ऐसे ही चल जाता है, आप लोग ऐसी उसी फैन कूलर में चलते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा इस प्रकार की समस्याएं कुछ ज्यादा ही घातक हो जाते हैं जिनको ये फील होता है, जिनको फील नहीं होता है, उनको हो रहा है लेकिन फील नहीं हो रहा है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो अंदर अंदर उसको धीरे 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 कुरुत रहा है और स्पॉइल कर रहा है। एक दूसरा है जिनको पता चल रहा है, पता चल रहा है कि हमें दिन का एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर हम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, शटडाउन हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ब्लॉक डाउन हो जाते हैं, उठने का इच्छा नहीं होता है, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, पड़े हुए हैं एकदम मस्त वाला, एकदम आईफोन लेके पड़े हैं लेकिन देखने का इच्छा नहीं हो रहा है, या फिर बैठा है बेटा क्या मतलब नहीं है, क्या वीडियो देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, वो घुमा रहे अपना, वो क्या बोलते हैं रील, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट, अब उसमें क्या देख रहा है क्या नहीं पता नहीं उसको, वहां भी इच्छा नहीं, वहां हटाया, आठ किताब उठाओ, आठ नहीं, अरे कोई बोलता जा थोड़ा घूम के, बोला आठ। तो अंदर से एक प्रकार का आप समझो कि एक दिमाग लगा हुआ है और धीरे धीरे अंदर अंदर खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। तो तमस व्यक्ति को नहीं पता चलेगा, रजस व्यक्ति तो ऊपर खाबड़ में चलता रहता है उससे पता नहीं चलेगा, सत्वक व्यक्ति को थोड़ा पता चलता है कि हाँ ये मेरा मनोस्थिति है और इसका ट्रीटमेंट तो होना चाहिए, तो समझना वो बचेगा, सेफ हो जाएगा, वरना जवानी के 25, 26, 30 साल में सारा बाल पका देगा, 50 तक जाने नहीं देगा। हम लोग 50 साल, मेरे जितने सारे फ्रेंड्स पूछते हैं बूढ़ा कब हो रहा है, बाल कब काला उला कर रहा है, ऐसे चेक करते हैं बाल काला उला कर रहा है, तो ये जो मस्ती है आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, यानी तो बाप इसमें थोड़ा सा कुछ कारण को देख लेते हैं, ये किसको लगेगा? देखो जरूर है कुंडली, चंद्रमा, शनि गोचर, शनि महादशा, इस समय अगर राहु का महादशा चंद्र राहु युति कुंडली में, केतु चंद्रमा युति है, तो फिर बेड़ा गरा मानता हूं, बहुत दिन के बाद चंद्र केतु का एक ढूंढ रहा था, मकर राशि में चंद्र और केतु बैठा है तो मिला, तो उससे देख पता चला कि भाई हाँ अंदर फटा हुआ है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, केतु समझने नहीं देता, राहु तो समझने नहीं देता लेकिन केतु समझने नहीं देता है, केतु क्योंकि पूर्ण विच्छेद कर देता है यहाँ, शनि चंद्रमा का तो बात ही अलग है। तो यहां इसको ज्यादा फ्यूल कौन देता है, या इसको ज्यादा घी कौन देता है, या इस आग में घी कौन डालता है,
एक वास्तु यहां पर भयंकर काम करता है। पहला काम, अगर मैं इस बात को बोलूं उससे पहले थोड़ा सा जो बात बोलना वाला था क्रॉस कर गया। कुछ लोग ऐसे लोगों से पीड़ित होते हैं, ब्लैकमेल्ड होते हैं, या कुछ लोगों के जिंदगी में ऐसा कोई आ जाता है जिसको आत्मा से चाहते हैं कि ये भाग जाए या नहीं रहे, लेकिन नहीं। ये 7.5 के पीरियड में भी होता है, और इस समय अगर शनि का महादशा पीछे से लेते लेते आ रहे हो, देखो शनि के महादशा में जिंदगी में एक शनि आके तो बैठेगा या बैठेगी। अगर शनि आपके फीमेल राशि में बैठा है, जैसे मिथुन में, कन्या में, मीन में अगर बैठा है, तो कोई ना कोई ब्लैक लेडी के द्वारा आप बेड़ा गलत, लेकिन स्मार्ट शॉप में भी हो, शॉप में भी हो, लेकिन वही कहीं ना कहीं हर पूरे नौटंकी का कारण वो रहेगी। लेकिन आपको पता जब चलेगा तो बहुत लेट हुआ होगा, तब पता चलेगा कि अबे तेरी यही है और मुझे पता नहीं शनि आके यहां बैठा है। चाहते हैं कि ये भाग जाए लेकिन भाग नहीं रही है, चाहते हैं कि दूर हो जाए लेकिन जा नहीं रही है, ये जा नहीं रहा है। अगर मेल राशि में बैठा, मेष में बैठा शनि, सिंह में बैठा शनि, और कुंभ में बैठा शनि, या सोचो धनु में बैठा, धनु में शनि बैठा, कुंभ का छोड़ दो, धनु में बैठा, हार्दिक आत्मा रहेगा कि ये भाग जाए या भाग जाए, भागती नहीं है बेटा, पीछा छूटता नहीं। देखना ऐसे आदमी का घर में एक दरवाजा कहीं ना कहीं से शनि के तरफ खुला रहेगा। देखो वास्तु में, ज्योतिष में, 7.5 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान आपके मुख्य द्वार या फिर एडिशनल द्वार को ध्यान देना। मैं कईयों का जिंदगी से ऐसे लोगों को भगा के दिए, चुटकी से भगाया, बोला गेट बंद कर। हाँ, लेकिन उसके पहले आपको उसका सब्स्टिट्यूट गेन देना पड़ेगा। हो सकता है पकड़ लो E8 E7 में एक गेट है, उसका जो अधिपति देवता है, तो उसका जो अधिपति देवता है ब्रह्मास, और उसके बाद E8 अंतरिक्ष, और अगर E9 अनिल, देखो ये अनिल तो उसमें तो बचाव चाहो नहीं देता, नहीं है, बांझ करके रख देता है उसमें। या फिर सोचो पर्जन्य, E2 का बात कर रहा हूं, तो यहां घर में खाली लड़कियां होंगे या बच्चे नहीं होंगे, केवल इस हाउस को मैं चेंज करके इस गेट को सही जगह में, बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा इस मैथमेटिक रहता है, वो डालो, फिर डिग्री वाइज भी देखो, फिर डायरेक्शन डिवाइड भी करो, और उसके बाद ठीक कौन साइड जहां करेगा वहां दो। मैं इतना चेंज करके जिंदगी से कईयों का ऐसे चुतियों को भगा दिया, ठीक है, बाद में उनको पता चलेगा इसलिए कर रहा था बोल के छुटकारा मिल जाता है। ऐसे लोगों से जिंदगी में जो लोग कनेक्टेड है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फटाक करके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात के साथ इसका लिंक है, क्योंकि वो जो डायरेक्ट जो गेट है, जो मेंटल टेंशन लेके आता है, ऐसे ऐसे 7.5 के समय में इस प्रकार का दरवाजा अगर आपका है, जो दरवाजा से तनाव आ सकता है, तो सबसे ज्यादा एक नंबर, आप पूर्व दिशा को बहुत अच्छा नहीं समझना, शनि वाले मकरू वाले बड़ा अगेंस्ट एनर्जी रहता है, और बाय मिस्टेक ईस्ट लाइन का गलत सनराइज आपको आ रहा है, आपका घर का एंट्रेंस है, बेड़ा गलत कर देता है सीवियर, यही सूर्य अष्टम का पीड़ा लेके आ जाता है, तो यू नीड टू स्टॉप दैट। ओके, उस एनर्जी को कैसे करके ब्लॉक कर लेना पड़ता है। दूसरा, अगर साउथ में अगर आपका S6 S5 यम, S6 गंधर्व, S7 भृंगराज, S8 मृग, S9 पितामह, ऐसे गेट्स हैं, अगर बाय मिस्टेक आपके, क्योंकि आप लोग सब वास्तु शास्त्री हो ही, क्या करोगे, सब देख लेते हो वीडियो, तो आपकी सेंटर से डिग्री वाइज भी और डिवाइड वाइज भी अगर ये एंट्रेंसेस हैं, इस प्रकार का प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से पीछा नहीं छोड़ेगा, मानसिक लेवल पे ये पीड़ा देंगे। तो साउथ एंड, क्योंकि इधर मंगल और उधर सूर्य, बाकी वेस्ट के लिए प्रॉब्लम आपको नहीं कहूंगा, नॉर्थ के लिए भी बुध आपके लिए फेवरेबल जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं देगा, या चंद्रमा और ये, लेकिन याद रखना इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक विषमता, जो मैं जितने भी मेंटल लेवल से 7.5 इफेक्ट बताया, चाहे मकर, चाहे कुंभ, चाहे मीन, और आने वाला समय में मेष, या ढैया में कर्क या वृश्चिक, और आने वाला समय में सिंह और धनु, घर का वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, हाँ,
कहाँ था थोड़ा। तो ये इम्पैक्ट मुख्य तो वायव्य में देता है। अगर हमेशा जाके मेंटल लेवल घर का अगर पड़ रहा है, वो इस प्रकार का शटडाउन, ब्रेकडाउन, डिसीजन मेकिंग में कमी, द्वंद्वात्मक मन, कॉन्फ्लिक्ट माइंड, तो बेटर फाइंड दिस वायव्य उत्तर पश्चिम, वो कहीं ना कहीं, तो वो चंद्रमा और वो शनि के साइड में भी है, पश्चिम से साइड के साइड में भी है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो रहा है, तो बेटा ये ज्यादा होगा। नेक्स्ट, कुंडली में पितृ दोष पड़ा है, और सोचो कि आपके साउथ वेस्ट पिता स्थान, पितृ स्थान, राहु का स्थान में वाटर टैंक है, ओवरवेल वाटर टैंक है, अनरोड वाटर टैंक है, ड्रिंकिंग वाटर टैंक है, उस पितृ के स्थान में चार्जित जल को पी रहे हो या नहा रहे हो, पितृ दोष कहां से उठेगा यार, तो डेली डेली नहा रहे हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी चैनल में वास्तु कहां घुसाते हो गुरु जी, लेकिन मैं देख रहा हूं ना बाकी सबका कुंडली से यही, इसलिए मैं शिवपाल स्पेशल वास्तु चैनल भी को बना दिया, उस थोड़ा सा संजय जी 75 वास्तु चैनल में थोड़ा सा जाके देख लीजिए, संजय जी 75 वास्तु गुरुकुल वगैरह, प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, 1-2 हजार हो जाए तो मेरे को मजा लगेगा कि हाँ कोई सुने नहीं सुने, आप मत देखो, मेरे को आप प्यार करते हो, मानते हो, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो मैं भी उसमें देने के लिए थोड़ा सा रुचि बढ़ेगा, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा चैलेंज है कि वास्तु में ऐसे ऐसे वीडियो ताल पत्ता का पोथी वाला मिलेगा जो ऑल ओवर इंडिया में कोई वास्तुशास्त्री, कोई भी पॉडकास्टर आज तक वो वीडियो नहीं बताया होगा, मैं दे रहा हूं, देने वाला हूं, ऐसा मिल गया है ऐसा वाला, ओल्डेस्ट ताल पत्ता पोथी में ढूंढ रहा था ताल का, तो मिला है, तो उसके ऊपर काम करेंगे बोल के, तो थोड़ा आग दो के ना अंदर, थोड़ा सा बम में तिल्ली में आग लगाओगे तो फटेंगे, नहीं तो कैसे फटेंगे, तो आपको मिलेगा वो सारा बढ़िया बढ़िया चीज मिला है, टाइम नहीं मिल रहा है बोल के उसके ऊपर बैठ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन बनाऊंगा तो घड़ाघड़ करके 500-600 वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें थोड़ा सब्सक्राइब करके रेडी रखना, उस चीज में मिलेगा आपको बढ़िया चीज जो कि यूट्यूब जगत में कोई नहीं दिया होगा ऐसा वाला। तो चलिए वो तो बात का बात है, अभी तो थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ वास्तु में, मैं रुचि मैं नहीं रख रहा था रुचि, लेकिन देखा कि वहां जैसे वो ये यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी वाले जैसे कर रहे हैं नौटंकी, तो वहां भी वास्तु में मैं देख रहा हूँ कि यार चला रखे एक नौटंकी लोगों का, तो मैं बोला चल कुछ ऐसे ओरिजिनल बातें वहां पर एंशियंट वाले डालते हैं, तो इसलिए आ गया हूँ, और अच्छा लग रहा है वहां पर, मतलब बहुत कम वीडियो में 200 सब्सक्राइब भी हो चुके हैं, तो अगर आप में से कोई किए हो तो धन्यवाद, नमस्कार, बहुत कृतज्ञता आपको, बाकी कर देना अगर सुन रहे हो। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर राहु कोण, और दूसरा है कि अगर आपके घर में चंद्रमा माने पानी और शनि यानी वेस्ट में अगर पानी रखे हो, उस पानी को पी रहे हो, नहा रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, ऐसे कंडीशन बनेगा, ये वास्तु की बात। तो क्या करें, तो इसका यूटिलाइजेशन आप अपना सावर चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर अगर उस डायरेक्शन में रखे हो तो कृपा करके उसको नॉर्थ ईस्ट में लाके, भले पीने से पहले तांबे का बोतल में, मैं कभी वीडियो दिखाऊंगा मेरा, उस साइड में मैं 8-10 तांबे का जग रख के पानी रख दिया हूं, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में तांबा का नहीं रखना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल फैक्टर के लिए बेल का पत्ता, तुलसी, जैसे मैं बताऊं वाटर थेरेपी, यू विल सेव दैट फ्रॉम द ओजन। दूसरा, इनर लेवल का जो सिस्टम है इस लेवल पे, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहता है कि भाई अगर ऐसा ब्रेन लेवल बनता है, एक नंबर टॉप विषय है अग्निहोत्र, बहुत से लोगों को बोला हूं लेकिन लोग उसका ऊपर सुनते नहीं, ध्यान देते नहीं, मानते नहीं है, जिसके लिए मेरा चैलेंज है कि ऐसे ऐसे मनोस्थिति के लिए, ऐसे साइकोसोमेटिक ऑर्डर डिजॉर्डर के लिए बहुत बेहतर होता है अग्निहोत्र, अग्निहोत्र के सिवा और कोई उपाय नहीं, आप रिसर्च करो अग्निहोत्र के ऊपर और कुछ वीडियो लो, मैं तो कहता हूं अगर ईमानदारी से सही टाइम टेबल में अगर अग्निहोत्र करते हो तो एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक दिन, दूसरा दिन का बात छोड़ो, और 90 डेज कर लिए तो फिर देख लो रिजल्ट। तो ये था यहाँ का, और बाकी जिसका गहरा प्रॉब्लम है, पकड़ लो इस समय 7:30 खत्म हो रहा है, शनि महादशा स्टार्ट हो रहा है, या शनि में शनि चल रहा है और 7:30 का इंड पार्ट चल रहा है, राशि के अनुसार तो अच्छा फल मिल जाएगा, लेकिन शनि का महादशा का तो फल इस समय तो और प्रखर होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में अगला पूरा शनि महादशा को सेटअप करने के लिए जरूर आप लोगों को, ऐसे श्रावण सोमवार है तो 4 सोमवार का तो रुद्राभिषेक ले लो, या फिर बोलबम पक्का जाओ, बड़ा काम में आता है,
ताकि बाहर थोड़ा सा घूमोगे फिरोगे, क्योंकि जितना रूम में अपने आप को बंद करके रखोगे, आइसोलेट होके रहोगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो ये इसका नेक्स्ट है कि काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है। भाई काम करने से तो इच्छा होगा, पड़े रहोगे तो कहां से इच्छा होगा, तो करो। पांचवा बिंदु यह है कि शिफ्ट द प्लेस, जगह छोड़ो, तभी जाके आपको वहां से मुक्ति मिलेगा। और जगह नहीं छोड़ते हो, पड़े रहते हो, तो भाई आप फंसोगे वहां। जिस समय आपको ऐसा लगा, भले कष्ट लगे, भला इच्छा नहीं, अरे पड़े हैं, तो फिर भागो वहां से। नेक्स्ट है कि अगर कुछ नहीं मिला तो गड्ढा खोदो और गाड़ो, गड्ढा खोदो और गाड़ो, कुछ ना कुछ काम करो, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ऑल दिस रील्स एंड शॉर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग। देखो मेरा मना नहीं है, आज का डेट तो एडिक्शन यही तो, इस युग का तो सबसे बड़ा एडिक्शन यही है, लेकिन होश मिलाओ कि 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट है श्वास प्रश्वास का ध्यान देना, ये बहुत बढ़िया काम में आएगा, स्वर ज्ञान। अच्छा, इस प्रकार का मनोस्थिति उनके लिए ज्यादातर हो सकता है जिनका ब्लैक डायल घड़ी हो। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा, व्हाइट डायल घड़ी पे चलो, और जिसमें नंबर हो। देखो इसमें नंबर नहीं है, ओनली लाइंस पड़े हुए हैं, नॉट गुड। इसमें आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो नंबर्स वाला, ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, हाँ, तो ये नंबर वाला आप लेके जाओ। इसका थोड़ा सा परिवर्तन करना जो बहुत जरूरी है, ब्लैक घड़ी है तो इस प्रकार का कंडीशन ज्यादा बनता है। और अगर आपके पास पकड़ लो 5 घड़ी हैं और वो घड़ी कहीं ना कहीं से रुक गया है, तो हमेशा अगर नहीं पहनते हो रखे हो, लेकिन चेक करो कि हाँ ये घड़ी चल रहा हो, ब्लॉक्ड है तो आपका भी जिंदगी में रुकेगा। इस प्रकार का मनोसेटअप बनता है। तो किसी को संभालो मत, संभालो बड़ी ईमानदारी से, अपने वॉच संभाल के रखना। तीसरा, ऐसे ही अगर आपका पुराना मोबाइल था और लटका पड़ा हुआ है, नहीं चल रहा है, ऑन करो, चलाओ, या तो फेंक दो, नहीं दाना किसी को नहीं करना, ये भी इंपैक्ट आपका जिंदगी में डालते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका मोबाइल नंबर सबको मिलाओ, जितना नंबर है 9437580589 ऐसा मिला देना, अगर नंबर 8 आ रहा है, या इस मोबाइल नंबर में ज्यादा 8 पड़े हुए हैं, ज्यादा 7 पड़े हुए हैं, और अगर आपके साथ सुइटेबल नहीं है लेकिन 4 पड़े हुए हैं, 4 7 8, ये 3 को याद रखना, ज्यादा पड़े हैं, तो किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट को हायर करो। आपका जन्मांक, भाग्यांक और जन्म समय का अंक, एक चीज को ही नहीं मिलाते हैं, मैं मिलाता हूं, वो क्या है, जिस समय जन्म हुई उसका भी अंक। इनको मिलाने के बाद आपका मोबाइल नंबर आपके लिए जितना सुइटेबल बना सको। देखो मैं जानता हूं ये मोबाइल नंबर का जो नौटंकी चल रहा है, ये बहुत 30,000 40,000 50,000 का चल रहा है मिनिमम। देखो क्या है ना, आज का डेट में पसीना से थोड़ा सा सस्ता में ही नाचता है, कम दाम वाले नए नए मार्केट में फुट्टू बने हैं, उनसे मत दिखाओ, उनका उनसे अपना मत दिखाओ, बोलो टाइम लो और लो 10,000, कोई बात नहीं, बट सही नंबर लेके दो। वो टाइम देगा, उसमें आपका पूरा स्टडी करेगा और निकाल के देगा, तो इट नीड इस जीवन में मोबाइल। और खाली नहीं, मेरे न्यूमरोलॉजी संजय जी 75 न्यूमरोलॉजी चैनल में आप जाके देखो, अंक ज्योतिष में जाके देखो, कुछ लोगों का इंटरव्यू है जिसका ना मोबाइल नंबर मैं चेंज करके दिया और उनके जीवन में उन्नति हुआ है, वो खुद मानते हैं कि हाँ हमारे जिंदगी में फर्क पड़ा है। तो नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मैं बोल दिया, बोल के मेरे पीछे मत पड़ना, आप बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट उनको भी चलने दो, उनको भी पिलने दो, मैं तो खुद अपने काम में प्रेशर में पड़ा हुआ हूँ, मैं आपको कहाँ से सहायता कर सकता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ केवल, इसका मतलब नहीं कि आप ये समझो कि फिर मैं आपको मुर्गा बना रहा हूँ और मेरे पीछे पड़ो और गुरु जी मोबाइल नंबर चेंज कर दो, गुरु जी वो वास्तु का गेट थोड़ा देख दो, मार्केट में अवेलेबल है, दिस इज करा लो, या फिर आप पढ़ लो, कर लो, कि बड़ा बहुत बड़ा या कठिन विद्या नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी विद्या नहीं है कि समुद्र जैसे ज्ञान पड़ा हुआ है, या वास्तु विद्या नहीं है कि ये महासमुद्र का ज्ञान पड़ा हुआ है, नहीं, वास्तु शास्त्र बड़ा पेचीदा चीज है, वो डिग्री वाला में भी और ये ग्रिड वाला में भी, तो और ये टारो जैसे कि ये कार्ड रीड कर दिया वो कर दिया, हाँ, लेकिन जो लोग हायर लेवल में चलते हैं, जिसका सिक्स सेंस और थर्ड आई से प्रेडिक्शन वाला, वो उनके लिए बहुत साधना चाहिए। हम लोग यहाँ पर साधना वैसे कराते हैं, तो जो लोग आके साधना करना चाहते हो, पढ़ने उड़ने के लिए नहीं आना, यहाँ हम लोग का साधना केंद्र है, गुरुकुल है, ये एजुकेशन नहीं, ऑनलाइन पढ़ा दिया और आपसे पैसा ले लिया, वो नौटंकी यहाँ नहीं है, किस दिन होगा होगा देखेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ, तो यू चेंज दिस समहाउ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, देखो आप पूछे बोल के मैं समाधान इसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि जिसका ब्रेन लेवल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो
यहाँ पर हमारे एक्यूप्रेशर में जिसको बोलते हैं आप योग में मूलधार चक्र बोल सकते हो, यहाँ जीभी सेल है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हो। यहाँ पर इतना सेंसिटिव पॉइंट है कि कुछ देर में आपको एनर्जी को चेंज कर दे। मुद्रा शास्त्र में बहुत ज्यादा काम में आता है लिंग मुद्रा, या फिर आप ये दोनों उंगली को मिला लो और इसको यहाँ ये करके जब भी आप पाठ करते हो तो इसमें चले जाओ। और दूसरा, ये दोनों उंगली को मिला लेना है, ये दोनों ऊपर उंगली को, और जब मेडिटेशन में बैठते हो तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा करके दोनों हाथ में रख के इसमें कुछ देर, ज्यादा मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करता हूँ, 5 से 10 20 मिनट कर लो, नहीं मैं तो करता हूँ घंटों, मेरा तो 2.5 घंटा 3 घंटा कुछ, लेकिन वो मेरा अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये कारगर है। नेक्स्ट है रेड स्केच, कोई भी रेड स्केच ले लो और उसमें यहाँ जैसे यहाँ पर लेड लगाते हैं ना, यहाँ लगा। तीसरा है, अगर लाल है तो आप देखना, बहुत समय मैं यहाँ लगाता हूँ यहाँ ड्रॉप्स जहाँ पर छेद करते हैं, थोड़ा सा अगर लगा लेते हो तो भी इस प्रकार के मनोदशात्मक स्थिति से बच सकते हो, ये एक बेस्ट कंडीशन बनता है। नेक्स्ट है कि हवन, हवन से श्वास प्रश्वास से इस प्रकार का हीलिंग एंड क्लीनिंग चीज हो जाता है, लेकिन मैं इसको इतना ज्यादा सेंसिटिव इसलिए कि कई सारे लोगों को देखा हूं अभी स्वर्णीय साढ़े साती के कारण कुछ लोग सदमे में जा रहे हैं, वो थिंकिंग लेवल बार बार आ रहा है, और ये जो आखिरी मैं बोला था ना, आखिरी शनि महादशा दिया जलते आखिरी में बहुत जोर जलता है, तो ये जो बकरी ऑफ शनि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के जोन में आपको नहीं डाल दे तो ये कर। नेक्स्ट है सो प्राणायाम, ये थोड़ा सा मात्रा ज्यादा करना, और अगर लेमन ग्रास ड्रिंक मिल जाए, ग्रीन टी, तो ये भी इस प्रकार के केमिकल को शांत करने में ज्यादा काम में आता है। लेमन ग्रास उसका पत्ता को सूंघोगे तो नींबू नींबू का स्मेल आएगा, ये बड़ा कारगर रहता है। और एक अच्छा थेरेपी, अगर आपके केंद्र में डेंस थेरेपी, आपके शहर में डेंस सेंटर है, नहीं वो डेंस नहीं था जो सारेगामा पा धा नि सा क्लासिकल लिया पगला डेंस नहीं, स्पिरिचुअल डेंस थेरेपी हम लोग सेंटर चलाते हैं, आप लोग चाहो तो आपके एरिया में भी 3 दिन का कोर्स करेंगे, फिर आप लोग वहां पर चलाना, तो केवल नाचना है और सो जाना है, नाचना है और सो जाना है, दोनों में क्लासिकल भी और एडवांस दोनों, केवल डेंस कर लेना, या आप कोई कोई नहीं तो आप अपने घर में रूम बंद करो और धूम नाचो लगा के, मुझे पागल जैसे नाचो एकदम पगलाओ, तो वो लेकिन वो पास्ट थिंग को रीथिंकिंग अगेन एंड अगेन नहीं कर। अच्छा, ये बीमारी कुछ ज्यादा यूथ को होता है, उनकी लवरा लवरी पास्ट लवरी जो छोड़ दी थी, हम राखी बांध के, हम सिंदूर लेके खड़े थे राखी बांध के भाग गई, दिल की आ जाने दर्द वगैरह वगैरह, फेसबुक में देख लेना पागल लोग लिखते रहते हैं, तो ये बेदर्दी जानम, हाँ यही सब इन लोगों के साथ इस समय ये शनि बकरी के टाइम पीरियड में कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं आपको बहुत ज्यादा लेवल पे देखो, किसी किसी को तो नहीं लेता है, संभाल लेते हैं थोड़ा वेदांती ज्ञान, लेकिन जो लोग नहीं जानते, ज्ञान नहीं है, उसमें पड़े रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, दे आर इन डेंजर। अच्छा, इसका जो सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, शनि साढ़े साती, शनि महादशा पीरियड में अगर एक साथ चल रहा हो, या राहु का महादशा चल, रात को जल्दी नींद नहीं होना, इसके ऊपर एक वीडियो दूंगा, बहुत देर तक जागे रहते हैं, कोशिश करके भी करवट लपटा लपटा के नींद नहीं आता है, तो क्या होगा, बहुत दिन तक ये चला, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक अनिद्रा जैसे बीमारी में पड़ गए, इंसोमिनिया जैसे बीमारी में पड़ गए, रात को नींद नहीं हो रहा है, करवट लपेट रहे हैं, बार बार उठ के पेशाब कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नींद आ जाएगा नींद आ जाएगा, फिर कोई रामू बाबा बोला था तो भ्रामरी उमरी कर लिया हूं, फिर नहीं हो रहा है नींद, फिर कोई मेडिसिन नींद का गोली खा लिए, फिर या फिर बीवी को भी उठा लिए, यार नींद नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, आगे समझ जाओ, तो जो भी ये है ना, ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपको नेचुरल नींद नहीं हो रहा है, तो उसका कॉज को इधर ढूंढना, किसी किसी को भयंकर सर दर्द माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम, अनिद्रा इंसोमिनिया जैसे प्रॉब्लम, शरीर से गंध आने का जैसे प्रॉब्लम, इसका आउटपुट दांत खट्टा हो जाना, दांत टूट जाना, दांत हिल जाना, दांत में इंफेक्शन हो जाना, या चेहरा में किसी प्रकार इंफेक्शन हो जाना, बाल झड़ने लग जाना, चेहरा झुर्री हो जाना, आंख का नीचे काला हो जाना, ये आउटपुट अगर हो रहा है
फिर आपको ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। फिर इनके लिए फिर हम लोग का ये 1 महीना का शिविर जरूरी पड़ता है, या फिर ये जो गुप्त नवरात्र का शिविर जरूरी पड़ता है। इसमें और इसमें एलोपैथी मेडिसिन होम्योपैथी आयुर्वेद कोई काम देने वाला नहीं है, कोई पूजा पाठ बेसिक काम देने वाला नहीं है। यू नीड दिस प्रोजेक्ट इंटीरियर डेकोरेशन, इनर मैनेजमेंट, इनर मैकेनिज्म, इनर इंजीनियरिंग, तभी जाके इससे आप मुक्त हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो। और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे, एक दो बेंगलोर का मैं देखा था, कोई बड़े सारे नाम लेना नहीं चाहता हूँ उस गुरु का, क्या क्या सब ये क्रिया वो क्रिया ऐसा क्रिया करके खुद साइकेटिक ऑर्डर में पढ़ के अपने माँ बाप को ठोक पीट रहे हैं। तो भाई याद रखना, ये सब क्रियाएं गुरु के डायरेक्ट सानिध्य में किए जाते हैं। कम करो, ज्यादा मत करो। ऐसे नहीं सोचना कि इतना जल्दी आपका मन वास आउट हो जाएगा, 7.5 का मार पड़ा है किसी किसी को। मैं तो अभी धनुराशि का भी एक दो कुंडली देख रहा था कि बोले हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं गुरु जी, वो 7.5 का मार हूबहू अभी चल रहा है। तो मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तो बाद में देखा कि कुंडली में उन गधों का उनको पता नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर बोला नहीं कि नवांश में जाके चंद्रमा बैठा हुआ है कुंभ में, शनि उसके साथ पीड़ित चल रहा है। बोला दिस इज द इफेक्ट, आप 7.5 से निकल गए हो लेकिन फिर भी इनर लेवल पे आप इफेक्टेड हो। तो ये मैकेनिज्म को समझना बड़ा जरूरी है, कोई इतना खुला से ये सब बताता नहीं है। वो राशिफल राशिफल बता देते हैं आपको खुश करने के लिए, आपको बता देंगे आ गया एकदम बढ़िया टाइम, म्यूटेंट हो जाएगा जिंदगी में, बाजार में जाओ बम बम आ जाओगे, इस समय ये चल रहा है चेक कर लो, बहुतों के साथ चल रहा है। हाँ कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, अलग बात है। ऐसे बैठा है सोच रहा है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना, अबे का हुआ बोला पता नहीं। तो आप अगर ऐसे सिम्टम है और इस बकरी के शनि बकरी के समय में ऐसा सिम्टम में कुछ ज्यादा उभार दिख सकता है, प्लीज हल्का नहीं लेना। फिर जरूर कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं इनर लेवल पे नवांश इत्यादि में थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु, एक दिल्ली के माता जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, गुरु जी बनाए, तो गुरु अच्छा तो चेली अच्छा बोलते। तो इज अ रेयरेस्ट कुंडली, राहु मंगल शनि एक ही जगह में जिंदगी, उन्हें पता नहीं चला लेकिन भयानक है। मेरा कई बार इच्छा हो गया कि भाग जाऊं, पहुंच जाऊं बेचारी के पास, लेकिन वर्कलोड इतना है और इतना लोगों का मैं अपॉइंटमेंट ले रखा हूं कि ये निकल नहीं पाता, मुझे पता है लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, हाँ उस जगह में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा राहु मंगल और शनि एक साथ बैठ के केतु की दृष्टि में, लेकिन बेचारे पीड़ित हैं। अब देखो इस कंजक्शन में एक कनाडा वाली है जिसका ना साथ में पति है ना पत्नी है, ना पद पद बच्चे हैं, सब दुर्भाग्य छोड़ छाड़ के। सेम एग्जैक्ट ये दिल्ली वाले केस, कनाडा का डॉक्टर साहिबा है और ये दिल्ली वाला ये केस, तो मेरा बच्चे लोग मिलेंगे या नहीं, क्या योग है? आप बोले थे मिलेंगे, मतलब पक्का मिलेंगे 100% मिलेंगे, लेकिन बताओ ये इतना साल तक इनका एनर्जी इतना बढ़ा हुआ है, जब तक इनको रिड्यूस नहीं करते हैं तब तक कैसे मिलेंगे? लेकिन इनको पता नहीं, रिड्यूस करना चाहते नहीं, तो फिर होगा कहां से? ये इंपोर्टेंट फैक्टर है नहीं और योग बना नहीं तो कहां से बनेगा? लेकिन सोचो ऐसे जिसका कंजक्शन रहेगा उस व्यक्ति विशेष का मनोस्थिति क्या रहेगा? हंसते खिलते बाहर डॉक्टर है, ये बाहर बहुत अमीर है, इसका चेहरा भी देखो, कोई नहीं बोलेगा 55 साल का, एकदम मस्त है, सुंदर है चेहरा, मैं उनका दिख रहा था फोटो, लेकिन अंदर बेचारे का कितना कष्ट है, अंदर बेचारे का कितना दुख है। लेकिन उससे दो चीज हुआ है, एक एडिक्शन हो गया या हेवा गया है, अगा गया है तो पता नहीं चल रहा। तो परिणाम क्या होगा? ये जो आंतरिक दुख है जिसको ना बयां कर सकते हो ना हजम कर सकते हो, और ये आगे चल के आपको और ज्यादा पीड़ा नहीं दे, इसलिए ये बड़ा जरूरी है। इस समय मैं जो कह रहा हूं ये बेसिक लेवल का, और याद रखना ये सब बात एक तरफ, और इनर मैकेनिज्म, इनर इंटरनल रिहेबिलिटेशन अलग तरफ, और इन सब का बेसिक चीज है मेडिटेशन, 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 प्राणायाम, 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 आनापान, आनापान, आनापान,
स्वर्ग ज्ञान, स्वर्ग ज्ञान, स्वर्ग ज्ञान, अग्निहोत्र अग्निहोत्र अग्निहोत्र। धन्यवाद।